ओके तो यार फोन बूथ मूवी का ट्रेलर मैंने देखा है, ट्रेलर लुक्स इंटरेस्टिंग, होपफुली ये मूवी ओरिजिनल होगा। सॉरी, अब 1994 में एक मूवी आई थी घोस्टबस्टर, हॉलीवुड की मूवी है। मूवी का कॉन्सेप्ट बेसिकली भूतों का पकड़ना था उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से और भूतों को मोक्ष प्राप्त करवाना था। और ये जो है हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी है, बेसिकली कॉमेडी ज़्यादा है। और घोस्टबस्टर की और भी वहाँ से फ्रेंचाइज स्टार्ट हो गई थी और भी काफ़ी सारे पार्ट्स निकले हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है घोस्टबस्टर की मूवी। तो उस कॉन्सेप्ट को ही इस मूवी में यूज़ किया। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम कॉपीड मार दिया या फिर चुरा लिया कॉन्सेप्ट। देखो घोस्टबस्टर एक टाइप का कॉन्सेप्ट है, घोस्टबस्टर का गेम भी तुम लोग को मिल जाएगा पीसी पे, एक्सबॉक्स पे। इसके अलावा घोस्टबस्टर का कार्टून भी है जो कि सबसे पहला आया था, उस कार्टून के बेस पे मूवी निकाला। तो घोस्टबस्टर एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को कोई भी यूज कर सकता है। अब यहां पे मेन चीज हो जाता है मूवी का स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छा रहा और कॉमेडी अगर अच्छा रहा तो ये मूवी चल जाएगा। इसके अलावा कैटरीना कैफ मूवी में है तो ऑब्वियसली भाई। ऑल्सो ट्रेलर देखने के बाद मूवी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, क्योंकि जिस टाइप की मूवीज अभी निकल रही है बॉलीवुड से तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई किया है। और आदि पुरुष का टीजर के बाद वैसे भी भाई भरोसा उठ चुका है मूवी में से, तो फिर भी चलो वहाँ से अगर कंपेयर करेगा बाकी सारे मूवी से तो ठीक है भाई, कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा 90 करोड़ का बजट है तो उस हिसाब से मूवी काफ़ी अच्छा है। 500 करोड़ तो कोई किसी ने नहीं थूका है भाई इस मूवी पे। 90 करोड़ में आई थिंक अच्छी मूवी है, हॉरर प्लस कॉमेडी है, ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। ऑल्सो मूवी का कुछ कुछ पंच लाइन था जो थोड़ा बहुत मेरे को वीक लग रहा था, क्रिंजी लग रहा था, लेकिन सेम टाइम कुछ कुछ सीन्स ऐसे भी थे, स्पेशली कैटरीना कैफ के जो सीन्स थे वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। हम बहुत सारी आत्माओं को मोक्ष दिला पाएंगे। और अभी के टाइम पे भाई लव रोमांटिक ये सारी मूवीज ना अब देख के हो गया भाई, अब नहीं देखना है, अब कुछ नया ही देखना है। तो उस हिसाब से मूवी ठीक है भाई, ट्रेलर वो सब अच्छा ही था। तो तुम लोग क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग मूवीज रिलेटेड वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।